आजकल मजालिस अज़ाए हुसैन बना में इसाल सवाब, नौजवानों याद रख लेना, मजलिस अज़ाए हुसैन अब चेहलुम जो होता है ना मुकाबले में होता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, ये लड़क कहने वाले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भिड़िया किसमें होगी, भिड़िया भीड़ किसमें होगी, कौन आएगा तो भीड़ मजमा लेके आएगा। देखिए एक बात याद रखिए, मजलिस मजमे की मोहताज नहीं है, मजमा मजलिस का मोहताज, मजलिस मजमे की मोहताज नहीं है, है ना। मैं देखिए तजर्बा बता रहा हूँ, आजकल 40वें की मजालिस में अक्सर किताबें तकसीम की जाती हैं, की जाती हैं ना, तकसीम की जाती हैं किताबें, तोहफतुल अवाम, वज़ाइफ, तौज़ी, जानमाज, नहजुल बलागा, 14 सितारे। ज़रूरत आपको है तो होना चाहिए कि नहीं आपके घर में, तोहफतुल अवाम की ज़रूरत आपको होना चाहिए या नहीं, है ना। कम से कम एक एक घर में, तजर्बा बता रहा हूँ, देखी हुई बातें, एक एक घर में 10-10 वज़ाइफुल अबरार पड़ी है, 5-5 तोहफतुल अवाम पड़ा है, कोई देखता नहीं, गद पड़ी हुई है। बेहतर है इस किताब बांटने से कि कौम के एक बच्चे को ले लो पढ़ा के इंजीनियर बना दो, इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, आईएएस बना दो, आईपीएस बना दो, तो लखनऊ गए, अम्मा की ख्वाहिश है ना किताब बढ़ जाए, अरे बिटिया लखनऊ में रहती है का, अब माँ में की किताब बढ़ जाए, पता चला जिसने बांटा उसने खुदे कभी नहीं पढ़ा, उसने खुद नहीं बांटा। एक साहब से, एक साहब ने मुझे लाके किताब दिया, का मौलाना साहब जरा सूरह फातिहा पढ़ दीजिएगा, क्या हुआ, का अब्बा मर गए तो उनको किताब मैंने बांटा, मैंने कहा तुम अरबी जानती हो, क्या ना मौलाना साहब तो अरबी ना पढ़े हैं, उनका फिर कितबिया काहे बांटे हो हमरे लिए, अब्बा तुम्हारे मरे पढ़े हैं हम, तुम भी तो पढ़ना जानो। इसलिए नौजवानों, कौम की जिम्मेदारी सिर्फ मौलवी की नहीं है। बड़े आसानी से लोग कहते हैं उलमा ने तकरीर नहीं किया, उलमा ने तबलीग नहीं किया, भाई कुरान शेख के कह रहा है, ऐ ईमान वालों जब रोजे जुमा की निदा दी जाए तो दौड़ो, या चलते नहीं लोग, दौड़ने की बात तो अलग है, चलते नहीं लोग, दौड़ने की बात अलग है ना, कुरान की तो मान नहीं रहे, मौलवी की क्या मान रहे,